हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, की हाल है तुहाडे बेटा। पिछले टॉपिक च मैं काफ़ी कुछ तुहाडे नाल डिस्कस किया अबाउट दिस लैक्चर। मैं हुण अगला जिहड़ा तुहाडे नाल डिस्कशन करन जा रही हाँ पन अते पौन ऊर्जा च। उस दिन भी तुहानू चैप्टर दे विच मैं यह समझाया सी कि किद्दां जिहड़ा पन बिजली प्रोजेक्ट है या हाइड्रो पावर प्लांट है वह वर्कआउट करता है, किद्दां जिहड़ी है विंड मिल है वह वर्कआउट करती है। बेटा जी, ये रिलेटेड क्वेश्चंस आज आप डिस्कस करांगे, पर सब तो पहले थोड़ा जा मैं तुहानू इन्हां दा एक ओवरव्यू फेर दे दां जिहड़ा मैं उदां दित्ता सी। मैं काफ़ी कुछ तुहाडे नाल डिस्कस कीता सी कि इहदे बारे मैं तुहानू दस्या सी, पन बिजली प्रोजेक्ट बारे मैं तुहानू दस्या सी कि पन बिजली पैदा करन लई नदियां दे पाणी दे वहाउ नू रोक के पाणी दे वड्डे भंडार विच इकट्ठा कीता जांदा है। बेटा जी, तुहानू देख रहे जल भंडार, थोड़ा जा मैं स्क्रीन तो नीचे कर दिनी हाँ ताकि इट इज़ बेसिकली क्लीयर टू यू। तो मैं थोड़ा जा तुहानू इहदी एक्सप्लेनेशन दे दिनी हाँ कि आप जो पानी है उत्थे जल भंडार दे विच की कर लैने, इकट्ठा कर लैने और फिर की हुंदा जी करन लई उच्चे उच्चे बन बनाए जाते हैं। इन्हां पानी के भंडारां विच पानी इकट्ठा हुंदा रहिंदा है, जिस के नतीजे वजो इन्हां विच भरे पानी का तल उच्चा हो जाता है। ठीक है जी, बन दे जिहड़ा तुहानू पानी का भंडार इत्थे इकट्ठा हुंदा रहिंदा है, जल के दरवाजे ने आपां उचाई ते पानी नूं इकट्ठा करदे हां। बिकॉज जदों फ्लो दे नाल बेटा थले आंदा है ते टरबाइन ते पूरी फोर्स दे नाल स्ट्राइक करदा है ते टरबाइन घूमदियां ने, ते जिहदे करके जिहड़ा बेसिकली साडे कोल जिहड़ी एनर्जी आ जनरेट हुंदी है। सब तो वड्डी इत्थे गल है कि जिहड़ा बन दे उपरले भाग दा पाइपां राहीं पानी बन दे आधार दे कोल स्थापित टरबाइन दे ब्लेडां उत्ते डिगदा है। बेटा जी, आ तुहानू टरबाइन दिख रही है, इहदे ब्लेडां दे कोल पानी जिहड़ा है वो डिगदा है, जिस के नतीजे वजो टरबाइन के ब्लेड घूमन गति करते। ये टरबाइन के ब्लेड की करते हैं बेटा, ये टरबाइन के ब्लेड गति करते हैं। हुण इन्हां दी गति करके की हुंदा है जी, जिहड़ा जनरेटर है उहदे द्वारा जिहड़ा है आ जनरेटर है, बिकॉज दिस इज कंबाइंड विद जनरेटर, तो इहदे करके जिहड़ी है बिजली का उत्पादन हुंदा है। हुण देखो बेटा, क्योंकि हर बार जदों भी वर्खा हुंदी है पानी का भंडार मुर भर जाता है, जदों भी वर्खा हुंदी है तो ये पानी का भंडार जिहड़ा है मुड़ भर जाता है, इसलिए पन बिजली ऊर्जा एक पूर्ति योग ऊर्जा का सोमा है। सो वी कॉल्ड इट पूर्ति योग ऊर्जा का सोमा। ठीक है जी, ये तुसी ये गल्लां याद रखनी है। ठीक है जी, हुण विंड मिल की गल करते हैं बेटा जी, आप पौन चक्की की गल करते हैं। तुसी आम नौवीं जमात विच तुसी वेख्या कि जिहड़ा सूरज दीआं विकरणां द्वारा भूखंडां दे इक्को जिहा गर्म ना होण करके हवा विच गति पैदा हुंदी है। ठीक है ना बेटा जी, हुण हवा विच गति पैदा हुंदी है तो वह गति ऊर्जा का उपयोग करके असी कारज करदे हां। असी पौन ऊर्जा की वरतों सैकड़े सालों तो पौन चक्कियां दे रूप विच करदे हुंदे हां। ठीक है ना बेटा जी, उत्ते तुहानू दिख रहा दिस इज़ बेसिकली घूमन गति ते ए रोटेटरी मोशन ते ए डिपेंड करता है, जिन्हों आपां कहने घूमन गति। ठीक है जी, रोटेटरी मोशन और तुसी इहनू कह सकते हो घूमन गति। बेटा जी, आ क्वेश्चन पैस लई भी इंपॉर्टेंट है। पैस लई क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पैस ते पूछा जा सकता है कि किस प्रिंसीपल दे उत्ते विंड मिल जिहड़ी है डिपेंड है। तुहानू पता है कि अजकल पौन चक्की ऊर्जा की वरतों बिजली पैदा करन लई कीती जांदी है। पौन चक्की की रचना मुख तौर पर किसी विशाल बिजली पक्षे के समान होंगी है, जिसनों किसी मजबूर उधार उत्ते कुछ ऊंचाई उत्ते खड़ा किया हुंदा है। तुहानू दिख रहा जी, कुछ ऊंचाई पर आपां उन्हूं खड़ा किया होया। ठीक है जी, पौन चक्की की घूमन गति का उपयोग बिजली पैदा करने लई बिजली जनरेटर टरबाइन नूं घुमाउण दे लई वरत्या जाता है। बेटा जी, अजकल एक बहुत रवाज है विंड ऊर्जा फॉर्म, यू कैन से पौन ऊर्जा फॉर्म और विंड एनर्जी फॉर्म कहिंदे ने, इन्हां नूं भी आपां अजकल ये बहुत कॉमनली बनते हैं। ठीक है जी, एक गल मैं तुहानूं इत्थे होर कहना चाहनी हाँ कि एक देश है जिन्हों आपां पौन दा देश कहने हैं। भी पैस का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किहड़ा देश है जिन्हों आपां विंड है ना दा मतलब देश कहने हैं, पौन दा देश कहने हैं। तो बेटा जी, डेनमार्क नूं असीं पौन दा देश कहने हैं। बेसिकली डेनमार्क विच की है बेटा जी, लिख दिनी मैं तुहाडे लई, डेनमार्क विच की है 25% तो वध बिजली की पूर्ति पौन चक्कियां द्वारा हुंदी है। चलो डियर स्टूडेंट्स, हुण आपां इहदे रिलेटेड जिहड़े क्वेश्चन है वो तुहाडे नाल डिस्कस करदे हां। तो पहला क्वेश्चन है, साडी सुविधा लई पौन अते पन ऊर्जा के परंपरिक उद्योगों विच किस तरह का सुधार किया गया है। पौन ते पन ऊर्जा, ठीक है जी, बेसिकली वट इज़ पौन, जिहड़ी पौन है पवन ऊर्जा, ठीक है ना, ते जिहड़े पन नूं पाणी हाइड्रो, पता लग रहा है कि पाणी तो बन रहा। पौन अते पन ऊर्जा ते लंबे समय तो मनुख द्वारा आंसर किदा लिखना, तुसीं परंपरिक रूप विच प्रयोग किया जा रहा है, अजकल इन्हां विच सुधार किए गए हैं।
जो इन्हां दी ऊर्जा दी प्राप्ति सौखी अते आसानी नाल हो सके। किद्दां सुधार कीते गए ने अज उन्हां नूं डिस्कस करदे आं। पौन ऊर्जा प्राचीन काल विच पौन ऊर्जा नाल पौन चक्कियां चला के खूह विचों पानी कढ़न दा काम हुंदा सी। बेटा जी है ना, खूह दे विचों आपां पानी कढ़दे सी, परंतु हुण असीं ऊर्जा नूं की करदे आं जी, हुण असीं ऊर्जा, बेटा जो तुसी ये लैसन पढ़ते हो तुहानूं लगता है लैसन बहुत सौखा है, पर बेटा इहदी डिटेल्स नूं समझना नॉर्मल लैसन नालों भी औखा है, ठीक है। इसलिए ध्यान ना इत्थे कंसंट्रेट करो। पौन ऊर्जा का उपयोग बिजली उत्पन्न करने लई कीता जाण लग्या है। बिजली उत्पन्न करने लई अनेक पौन चक्कियां नूं समुद्री तट ते समीप वड्डे खेतर विच लगाया जाता है, क्योंकि समुद्र दे कोल जिहड़ा आपां मंनदे आ कि हवा ज़्यादा चलती है, तो अजिहे खेतर नूं पौन फार्म भी कहिंदे आ। इह वी मैं तुहानूं डिस्कस कीता कि पौन फार्म जां पौन इहनूं आपां कह दिंदे आ, बेटा जी तुसीं लिख सकदे हो विंड एनर्जी फार्म। की कहिंदे आ आपां जी? विंड एनर्जी फार्म, ठीक है जी। विंड एनर्जी फार्म जां पौन ऊर्जा जिहड़े है आपां फार्म है कि पौन ऊर्जा का उपयोग बिजली उत्पन्न करने लई कीता जाण लग्या। बिजली उत्पन्न करने लई अनेक पौन चक्कियां आपां जिहड़े है वो समुद्री तट को ला दें। अगे जी पन ऊर्जा का की करते हैं, प्राचीन काल के असी की करते, प्राचीन काल के ऊर्जा का उपयोग असी करते, ऊर्जा का उपयोग जल परिवहन किया जाता सी। जल में बिजली ऊर्जा के रूप में प्रयोग करने लिए पहाड़ा दिया जड़िया ढलाना के बन बना के जल की स्थितिज ऊर्जा दी है ना जी। उत्थे आप गल की कि जल थले आता है तो वह मतलब वो स्थितिज ऊर्जा ज जड़ा प्रयोग किया जाता सी। जल बिजली उत्पन्न करने लिए नदिया के बहाव में रोक के वड्डियां बनौटी झीलों में जल में इकट्ठा कर लिया जाता सी। इस प्रक्रिया में जल की गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता सी। सब तो पहले जी जल भंडारण से उतों कितने आ जाता सी? थले, ठीक है जी। फिर उन्होंने आप कहते हैं बन के उपरी भाग में पाइपा राही जल न बन के आधार से स्थापित टरबाइन के ब्लेडा उपर सुटिया जाता सी, जो मैं तुम्हें उपर समझाया, जिस तो बिजली ऊर्जा उत्पन्न किया जाता सी। यही मैं तुम्हें उपर समझाया कि यही सारा आप जड़ा है यूज करते हैं। अगे बेटा जी गल अगले क्वेश्चन की आप जा रहे हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वह है जी कि जो बिजली ऊर्जा है असी ऊर्जा दे बदलवे सोमिया वल क्यों ध्यान दे रहे हैं? वाई मतलब असी ऊर्जा के बदलते सोमिया वल क्यों ध्यान दे रहे हैं? सानू क्यों लगता है कि जेडे न्यू जेडे सोमे हैं उन्हां वल ध्यान देना चाहिए? बेटा जी असी बदलवे सोमिया वल ध्यान देने का कारण बिकॉज रोजाना जीवन के विभिन्न कार्यों में भोजन पकाना उद्योगिक यंत्रा अते वाहना नू चलाना आदि परंपरागत बालना ते निर्भर करते हैं। परंपरागत बालन केड़े? कोला अते पेट्रोलियम, जिन्हों आप कहने जी पथार्ट बालन। बेसिकली दीज आर द कन्वेंशनल सोर्सिज ऑफ एनर्जी, ठीक है जी। केड़े सोर्सिज ने? कन्वेंशनल सोर्सिज, ठीक है, कन्वेंशनल सोर्सिज ऑफ एनर्जी, ठीक है जी। कोला ते पेट्रोलियम अजिहा जापता है कि जिस दर नाल असी पथार्ट बालना की वरतों कर रहे हाँ वो बहुत ही छेती पथार्ट बालन जिहड़े आ उन्हां दा भंडारण की हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। और असी बार बार इस चीज़ नूं कहने आ कि असी बहुत ज़्यादा फॉसिल फ्यूल्स ते डिपेंड कर रहे हैं, पथार्ट बालना ते डिपेंड कर रहे हैं, हौली हौली इन्हां दा भंडार जिहड़ा उह समाप्त हो जाएगा। बदलवे सोमे जल तो उत्पादित बिजली ऊर्जा दियां भी अपनियां खामियां हन, इसलिए छेती ही ऊर्जा संकट आउण दा खतरा है। इस गल नूं ध्यान विच रखते हुए ऊर्जा की लोड़ नूं पूरा करन लई ऊर्जा के बदलवे सोमिया वल ध्यान दिता जा रहा है। बेटा जी ते बदलवे सोमे कितना जिदा जी पन ऊर्जा, पौन ऊर्जा, और नैक्सट मैं तुहाडे नाल डिस्कस करांगी जीव पुंज जां बायोमास ऊर्जा, ठीक है ना। इन्हां दे आपां जिहड़े बदलवे सोमे है उन्हां दे जिदा कि सूरजी ऊर्जा हो गई साडी, होर किहड़ी ऊर्जा हो गई जिहड़ी आपां सूरजी ऊर्जा ते न्यूक्लीयर ऊर्जा हो गई, ठीक है, एनर्जी फ्रॉम द सी हो गई, इन्हां ते आपां ध्यान दे रहे हाँ। बाकी जिहड़े होर सोमे है उन्हां ते तां आपां ध्यान दे ही रहे हाँ, ठीक है जी। अगे आ गए जी तुहाडे जीव गैस बायोमास अते बायोमास प्लांट, वेरी इंपॉर्टेंट। जीव गैस की है, बायोगैस की है? बेटा जी बहुत सारिया गैसा का मिश्रण है, इसनूं ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी विच जैव पदार्थां दे अपघटन तो प्राप्त किया जाता है जी। इत्थे गल मैं तुहाडे नाल करना चाहनी हाँ ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी च, जे मैं गल कहां तां बेसिकली दैट इज एनरोबिक, है ना, मतलब जिहड़ी हुंदी है डीकंपोजिशन, ठीक है। उस तो बाद जी एक गल इत्थे याद करन दी लोड़ है कि इसका मुख्य घटन मीथेन है। हुण तां तुसीं कार्बन वाला चैप्टर पढ़ लिया, ये भी क्वेश्चन पास लई बहुत इंपॉर्टेंट है कि विच इज़ द मेजर कंपोनेंट, किहड़ा सब तो मुख्य घटक है, किहड़ा जी सब तो मुख्य घटक है?
जैव गैस का बायोगैस का मीथेन और ये क्वेश्चन बहुत आता है ऊर्जा के सोमे च जीव गैस बनाने लई गोबर मलमूत्र अपशिष्ट जेडे फल है सब्जियां है ते खेतीबाड़ी दे आधारित उद्योगों के अपशिष्ट आदि वरतों की जाती है। जीव गैस बनाने लई दो तरह के प्लांट उपयोग किए जाते हैं। बेटा जी बहुत अच्छे डायग्राम बने हुए हैं, कोशिश करो कि तुसी भी इदा के डायग्राम बना सको। एक है जी स्थिर गुंबद किस्म का बायोगैस प्लांट, ठीक है जी। दूजा हैगा जिहड़ा साडे को यह हैगा जी तैरती हुई टैंकी वाला बायोगैस प्लांट, ठीक है जी। ये जिहड़े है दो तुहानू दित्ते है आ जी आ देखो जी, ठीक है। बेसिकली बेटा इहदी भी एक्सप्लेनेशन मैं तुहानू दवांगी पर हुण मैं तुहानू मेन मेन गल्लां दसदा इहदे च। इस प्लांट आपां करदे की आ, इस प्लांट विच इट्टां तों बने गुंबद दी जिही रचना हुंदी है। बेटा तैनू तुहानू आप देख रहे रैड रैड कलर दा, तो बेसिकली दीज आर ब्रिक्स आ सारे रैड रैड कलर दे, ठीक है ना जी। और इहदे विच की करदे आपां बायोगैस बनाउण लई मिश्रण टैंक विच गोहे पानी दा इक गाढ़ा मिश्रण जिसनू आपां स्लरी कहने आ। की कहने आ जी बेटे? आ बेटा जी स्लरी है साडी, ठीक है। आ साडी स्लरी आ देखो जी, ठीक है जी। आ तुहाडी की है स्लरी है, उहनू आपां बेसिकली आ देखो जी इकट्ठा कर लिया है बेस, उहनू गोबर अते पानी दे मिश्रण नू आपां जिहड़ा है उहनू स्लरी कहिंदे हाँ। अते बनाईआं जांदीआं हन जिथों इस नू डाइजेस्टर विच पा दित्ता जांदा है। अल्टीमेटली जिहड़ा स्लरी है उहनू आपां किहदे विच पा दिंदे आ जी? बेटा जी स्लरी नू आपां पा दिंदे आ डाइजेस्टर च, ठीक है जी। जदों आपां डाइजेस्टर दे विच पा दिंदे आ ते ऑक्सीजन तुहानू पता इस चैंबर च नहीं हुंदी, तुहाडे नाल पहले ही गल कीती गई है कि जिहड़ा ये रिएक्शन है आपां ये अपघटन है ऑक्सीजन की मौजूदगी विच नहीं करते, ठीक है जी। आपां की करदे आ डाइजेस्टर के चारे पासे तो बंद करके एक चैंबर हुंदा है जिस विच ऑक्सीजन नहीं हुंदी। अनअक्सी सूखम जीव जिन्हां नू जीवित रहना लई ऑक्सीजन की जरूरत नहीं हुंदी गोहे की स्लरी नू जटिल यौगिकां नू अपघटन कर देंदे। बेसिकली की हो जाता है? अपघटन हो जाता है। की हो जाता है जी? अपघटन हो जाता है, ठीक है। जिदे करके की होएगा? अपघटन प्रक्रिया पूरी होने ते इस दे नतीजे वजो मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन ते हाइड्रोजन सल्फाइड जीआं गैसां पैदा होने ते कुछ दिन लगते ने। बायोगैस नू डाइजेस्टर उपर बनी गैस की टैंकी विच इकट्ठा किया जाता है। बायोगैस नू गैस की टैंकी तो उपयोग लई पाइपां द्वारा बाहर कढ लिया जाता है। आ देखो जी बायोगैस का निकास तुहानू दिख रहा होना इत्थे, ठीक है जी। ज़्यादा व्याहा है उहदे लई आ गैस वॉल्व है कि जो गैस कढ़नी हो गैस वॉल्व नू ओपन कर दिता जाता है, ठीक है। बेटा जी आहानू दिख रहा है गोबर अते पानी का घोल मिकसिंग टैंक है जी, उन्होंने डाइजेस्टर च पा दिता जाता है, ठीक है। स्लरी भी उन्होंने लिखा हुआ है जिदा मतलब कोई ढक्कन उन्होंने पाया है, मतलब तुसी ये देखना दिस इज स्थिर गोबन किस्म का बायोगैस प्लांट, ठीक है। हुण बेसिकली जिहड़ी बायोगैस है इहदी आपां मतलब उपयोग करते हैं। बायोगैस तुहानू पता एक वधिया बैलन है क्योंकि 75% तक मिथेन गैस होंगी है, ठीक है। सब तो वधिया गल की है कि यह धूआ पैदा किए बिना जल्दी है। दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स है यदिया कि यह धूआ पैदा, ये तैरती हुई टैंकी वाला बायोगैस प्लांट है। सिमिलरली बेसिक जो है उ है कि गोबर और पानी के मिक्सचर डाइजेस्टर आप इकट्ठा करके बायोगैस जोड़ा है वह बार जोड़ा है क्ड लें। अगली मैं जी थोड़े न गल करना चाहनी हाँ बेटा जी, उस तो पहले मैं बायोगैस के कुछ थोनों जो इंपोर्टेंट पॉइंट्स है वो नोट डाउन करवाना चाहनी हाँ, ठीक है जी। वी हैव अ एम्प्टी पेज हेयर और इतने तुम लिख सकते हो कि बायोगैस वधिया बालन क्यों है, ठीक है जी। यू राइट डाउन हेयर जिहड़ा साडे को बायोगैस है ये एक वधिया बालन क्यों मनिया जाता है, बायोगैस वधिया बालन क्यों है, ठीक है जी। ये बहुत इंपोर्टेंट चीज़ा है पैसली भी। तो पहली गल तो सब तो वधिया गल कि 75% ये की होंगी है जी मीथेन गैस, 75% ये की होंगी है मीथेन गैस और ये जड़ा धुआं पैदा किए बिना जल्दी है। सेकेंड की हो गया जी? धुआं पैदा किए बिना, पैदा किए बिना जल्दी है, ठीक है जी। किए बिना जल्दी है, धुआं पैदा किए बिना जल्दी है, ठीक है जी। उस तो बाद मैं तुहाडे नाल गल करांगी लकड़ी चारकोल अते कोले नू विपरीत बायोगैस दे जलन पिछों स्वाह वर्गा कुछ नहीं बचदा, ठीक है जी। स्वाह वर्गा कुछ नहीं, स्वाह वर्गा कुछ नहीं बचदा, ठीक है जी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ा है बायोगैस दियाँ कि जिदा आपां लोहा सॉरी जिदा आपां लक्कड़ बालदे हाँ जां कुछ भी बालदे हाँ तो साडे को मगर स्वाह बच जाती है पर इच्छे नहीं बचता। बायोगैस प्लांट विच बाकी बची स्लरी नू समय समय ते प्लांट तो बाहर कढ़दे हाँ,
इस बची स्लरी अंदर यौगिका दे रूप विच नाइट्रोजन अते फॉस्फरस हुंदी है, इसलिए एक उत्तम खाद है। देखो जिहड़ी स्लरी मैं तुहानू साइड ते नहीं दिखाई सी कि इधरले पासे स्लरी है, जो तुसीं कहिंदे हो देखो जी टाइम टाइम ते इहनू स्लरी नू बाहर कढ़दे रहिंदे आ, देखो जी आ कढ़दे रहिंदे आ इहनू टाइम टाइम ते बाहर, क्यों? क्योंकि ये बेसिकली जिहड़ा है इस स्लरी काहदे लई काम आ जांदी है, ये साडे खाद लई आ जांदी है, ठीक है। खाद भी देखो किन्ने यूजेस है इहदे, ठीक है। इन्हां चों कोई भी यूज पास दे पेपर च पास दे क्वेश्चन चाहेगा तो उत्थे तुसीं करना, ठीक है। चलो अगे जिहड़ी आपां अज गल करनी है, सिर्फ एक मिनट मैं तुहानूं जस्ट सोर्सेज ही दसने हैं, बाकी जिहड़ी डिटेल अपने अगले लैक्चर च गल करांगे। मुक्कन योग अते नवीन योग, ना मुक्कन योग नवीन योग ऊर्जा स्रोत किद्दां दे, मतलब आपां तुसीं इत्थे गल करांगे कि बेसिकली आपां जिहड़े सोर्सेज है जिहड़े नहीं मुक्कन दे आपां उन्हां नूं यूज करदे हां, ठीक है ना, उन्हां बारे आपां इत्थे थोड़ी जी गल करांगे। ते आजो जी नाइंथ क्वेश्चन है कि कोई ऊर्जा का सोमा प्रदूषण रहित भी हो सकता है, क्यों जा क्यों नहीं? नहीं, कोई भी ऊर्जा का सोमा पूर्ण रूप विच प्रदूषण रहित नहीं हो सकता। कुछ सोमे ऊर्जा उत्पन्न करते समय प्रदूषण उत्पन्न करते हैं, कुछ ऊर्जा सोमिया तो निर्माण विच प्रदूषण होता है। उदाहरण लिए सूरजी सैल नूं प्रदूषण मुक्त ऊर्जा सोमा कहा जा सकता है, परंतु इस जुगत के निर्माण समय प्रदूषण होता है जिस तो पर्यावरण नूं नुकसान हुंदा है। इसलिए तुसी किसी भी सोर्स ऑफ एनर्जी नूं पूरी तरह जिहड़ा है वो पोल्यूशन रहित नहीं कर सकते। बेटा जी अगले लैक्चर च मैं तुहाडे नाल की डिस्कस करांगी, मैं अगले लैक्चर च तुहाडे नाल डिस्कस करांगी सूरजी ऊर्जा। तुसी नोट कर सकते हो, दीज आर बेसिकली जिहड़ी मैं तुहाडे नाल गल करांगी बदलवे अते गैर परंपरागत ऊर्जा दे सोमे, गैर परंपरागत ऊर्जा सोमे जिन्हों बेसिकली आपां कह सकते हाँ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। की कह सकते आपां? नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज, ठीक है जी, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ओके डियर स्टूडेंट्स, नॉन कन्वेंशनल च मैं तुहाडे नाल जिहड़ी पहली गल है वो करांगी तुहाडे नाल सूरजी ऊर्जा दी सोलर एनर्जी जिन्हों आपां कहिंदे आ, ठीक है जी। सूरजी ऊर्जा की मैं तुहाडे नाल गल करांगी। बेटा जी यही लैसनस है, ये लैसन है इनवायरमेंट लैसन है जिहड़े इन्ने तुहानू मतलब पास च स्कोरिंग हो सकते तुहाडे लई। इहदे विच आपां सोलर सैल पैनल की गल करांगे सूरजी सैल की, ठीक है जी। वो तो बाद टाइडल एनर्जी की गल करांगे, समुंदरा तो ऊर्जा की गल करांगे कि किद्दां दी आपां समुंदरा तो ऊर्जा जिहड़ी है वो रिलेटेड क्वेश्चन गल करांगे। बेसिकली इट इज़ टाइडल एनर्जी जिहड़ी आपां समुंदरा तो करांगे, ठीक है जी। और लास्ट जिहड़ी आपां गल करांगे दैट इज़ ऑफ न्यूक्लीयर एनर्जी, ठीक है जी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूक्लीयर एनर्जी, और पंजाबी च आपां इहनूं कहिंदे आ न्यूक्लीयर ऊर्जा। की कहिंदे आ जी? न्यूक्लीयर ऊर्जा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूक्लीयर ऊर्जा, ठीक है जी। ये गल्लां आपां अगले लैक्चर्स करांगे और सारे ये आपां क्वेश्चन आंसर्स तुहाडे नाल डिस्कस करांगे, ठीक है जी। सी एन जी की भी गल करांगे, ऊर्जा के सोमे की वर्गीकरण की भी गल करांगे। चलो जी मिलते हैं अगले लैक्चर च, टिल दैन गुड बाय, टेक केयर डियर स्टूडेंट्स।